हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको बालों को लंबा करने के विषय में बताएंगे कि किस प्रकार से अपने बालों को घना लंबा किया जा सकता है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को दबाएँ। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथियों, शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें अपने बालों को लंबा करने के लिए क्या लेना है। साथियों, सबसे पहले हमें अपने बालों को लंबा करने के लिए अरंडी का तेल लेना है। अरंडी के तेल में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बालों को ग्रोथ प्रदान करते हैं तथा उन्हें मजबूती देते हैं। वन स्पून यहाँ पर साथियों मैंने अरंडी का तेल इसमें ऐड कर लिया है। साथियों, इसके बाद साथियों जो हमें दूसरा इंग्रेडिएंट लेना है वो हमें यहाँ पर बादाम ऑयल लेना है। इसकी भी मात्रा हमें वन स्पून ही लेनी है। साथियों, यहाँ पर मैंने बादाम का तेल भी इसमें ऐड कर लिया है। बादाम का तेल हमारे बालों को मजबूती प्रदान करता है तथा उनकी ग्रोथ को बहुत ही जल्दी से बढ़ाता है। और साथियों, सबसे ज़्यादा जो खास और मेन इंग्रेडिएंट हमें तीसरा इंग्रेडिएंट लेना है वो यहाँ पर हमें फिगारो ऑयल लेना है। यह भी हमें वन स्पून ही लेना है साथियों। और फिर इसे हमें अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद साथियों जो इसमें है हमें विटामिन कैप्सूल डालना है। यह साथियों यहाँ पर मैंने विटामिन कैप्सूल इसमें ऐड कर दिया है। और फिर इसे अच्छी प्रकार से मिलाकर नहाने से पहले साथियों तकरीबन 2 घंटे पहले हमें इसे अपने बालों की जड़ों तक इस प्रकार से अपने बालों की जड़ों तक इसकी मालिश करनी है। साथियों, यदि इस प्रकार से आप करते हो तो तकरीबन 10 से 15 दिन में आपके बाल जो है वो ग्रोथ प्रदान करने लगेंगे, जल्दी से बढ़ने लगेंगे और लंबे हो जाएंगे। धन्यवाद साथियों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।